आयोडा क्लासेस। तो स्टूडेंट्स अब जो है क्वेश्चन नंबर 27 का मैं वन नंबर बनाने जा रहा हूँ, जाके क्या बोल रहा है कि क्वेश्चन 1 + cos θ / 1 + sin θ - sin θ इक्वल टू 1 + sin θ / cos θ, ये मुझे प्रूव करना है। तो देखो RHS आपका ऑलरेडी बहुत सिंपल फॉर्म में है, तो अब हमें LHS से ही इसको सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे वो देख लो। तो क्या कर रहे हैं, मैंने पहले ही थोड़ा सा लिख दिया है ताकि टाइम सेव हो जाए। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि ऊपर न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में मैं cos थीटा से डिवाइड कर रहा हूँ। तो cos थीटा से मैं डिवाइड करूँगा तो देखो क्या होगा। तो मैंने यहाँ लिख दिया कि ऑन डिवाइडिंग बाय cos थीटा इन न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, तो न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में दोनों में cos थीटा से मैं डिवाइड कर रहा हूँ। तो अब देखो क्या हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा 1 by cos θ हो जाएगा। जब cos थीटा से डिवाइड करेंगे तो 1 by cos θ, यहाँ हो जाएगा cos θ / cos θ प्लस यह हो जाएगा sin θ / cos θ, ठीक है, अपॉन। चलो उसके बाद क्या है हमारा कि यहाँ पे हम लोग cos θ जोड़ेंगे, यानी कि 1 by cos θ, 1 by cos θ, ठीक है, प्लस cos θ / cos θ, cos θ / cos θ, है ना, माइनस है तो माइनस डाल दो sin θ / cos θ। तो अब देखो तो क्या हो जाएगा, 1 by cos θ क्या होता है हमारा, 1 by cos θ होता है sec θ। तो चलो मैं इसको लिख रहा हूँ sec θ, ठीक है, प्लस है तो प्लस डाल दिया। 1 cos θ / cos θ क्या होता है, 1 होता है ना, चलो उसको 1 लिखो। sin θ / cos θ क्या होता है, tan θ होता है। तो चलो मैं पहले इसको लिख दे रहा हूँ tan θ, ठीक है, मैंने इस टर्म को पहले लिख दिया। अब देखो cos θ / cos θ क्या होता है, 1, तो चलो +1 ये लिख दिया, ठीक है, बाय। फिर से यहाँ देखो 1 by cos θ क्या होगा, sec θ, तो sec θ लिख दो। और फिर से इसको हम पहले लिख रहे हैं, तो sin θ / cos θ क्या होता है, tan θ, तो चलो ये हो गया हमारा माइनस में है ना, तो माइनस tan θ। और cos θ / cos θ क्या होगा हमारा, तो ये प्लस, तो वो 1 हो जाएगा, तो ये हो गया 1, ठीक है। चलो अब देखो अब क्या कर रहा हूँ, इस 1 को मैं चेंज कर रहा हूँ। कैसे करेंगे देखो, तो क्या कर रहा हूँ मैं sec θ को भी sec θ ले लेता हूँ, sec θ प्लस tan θ, और ये क्या है हमारा 1। तो 1 को प्लस 1 है ना, 1 को मैं sec एंड tan के फॉर्म में, तो याद करो क्या होता है हमारा, तो sec एंड tan के फॉर्म में अगर मैं 1 को लिखूं तो मैं इसे लिख सकता हूं कि sec θ, sec²θ है ना, माइनस tan²θ है। मालूम है कि sec²θ माइनस tan²θ इक्वल टू 1 होता है। तो इस 1 को मैंने ऐसा लिख दिया है। चलो अब उसके बाद देखते हैं क्या है हमारा sec θ - tan θ। तो चलो ठीक है, sec θ - tan θ, इसको नीचे में कोई चेंजिंग मत करो, इसको एज इट इज रहने दो, sec θ - tan θ है ना, +1। मैं इस तरह का आपको मैंने एग्जांपल भी बनाया है, और एग्जांपल में मैंने बहुत अच्छी तरह से सॉल्व भी करवा के दिखाया था। चलो ठीक है, अब यहाँ देखो क्या हो जाएगा हमारा कि इसको मैं चेंज कर रहा हूँ a²-b² के टर्म में। तो ये क्या हो जाएगा हमारा कि sec θ + tan θ + a²-b² इसको मैं चेंज करूंगा तो क्या हो जाएगा, a + b (a - b), यानी कि sec θ + tan θ, ठीक है, a + b (a - b), यानी कि फिर sec θ - tan θ, ठीक है। चलो अब उसके बाद देखो क्या कर रहा हूँ मैं, बाय में जो है उसको एज इट इज रहने देता हूँ। तो ये क्या है हमारा sec θ, तो sec θ को मैं sec θ ही रहने दे रहा हूँ, माइनस tan θ + 1 है, इसको रहने देता हूँ। चलो फिर अब आगे देखते हैं। देखो तो अगर ये पूरा मेरा एक टर्म है, तो यहाँ भी sec θ + tan θ + sec θ - tan θ यहाँ भी है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, कॉमन खींच लेता हूँ sec θ - tan θ को। तो चलो मैं कॉमन ले लेता हूँ, तो sec θ + tan θ को ले लिया मैंने कॉमन, ठीक है ना। चलो अब क्या बचेगा यहाँ पर हमारा, देखो तो ये टर्म तो आ गया है कॉमन, तो यहाँ पर हो जाएगा 1, तो ये लिख दिया मैंने 1
प्लस ये टर्म तो कॉमन आ चुका है, तो ठीक है, तो बचेगा ये टर्म ना, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं sec थीटा माइनस tan थीटा, है ना, अपऑन क्या हो जाएगा हमारा sec थीटा माइनस tan थीटा प्लस वन। चलो देखो तो अब प्लस वन यहाँ भी है, प्लस वन यहाँ भी, sec थीटा प्लस में है, sec थीटा प्लस में है, tan थीटा माइनस में है, tan थीटा हमारा माइनस में है, तो ये वाला टर्म और ये पूरा टर्म जो है हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा खाली क्या sec थीटा प्लस tan थीटा। तो ये बचा हमारा सिर्फ sec थीटा प्लस tan थीटा, तो देखो अब इसको मैं लिख सकता हूँ sec थीटा को कि 1 बाय cos थीटा, है ना, प्लस tan थीटा लिख सकता हूँ मैं कि sin थीटा बाय cos थीटा। चलो यहाँ से मैं कॉमन ले लेता हूँ, एलसीएम ले लेता हूँ, तो जब मैं एलसीएम ले लूँगा इनको cos थीटा को, तो ये ले लिया मैंने cos थीटा एलसीएम, तो क्या हो जाएगा हमारा 1 प्लस साइन थीटा, इतना ही तो हमारा आर एच एस है, तो हैंस एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस। तो स्टूडेंट्स अब जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।